सो गाइस फाइनली हम लोग वहां से टोल कटवा के देख सकते हैं चढ़ चुके हैं पूर्वांचल पर और ये रहा गाइस पूर्वांचल एक्सप्रेस। सो गाइस फाइनली हम पहुंच चुके हैं गाइस लखनऊ नवाबों के शहर। तो देख सकते हैं अभी हम लोग चले गाइस यहां पे चारबागी स्टेशन के पास मेट्रो स्टेशन के पास रेडियो के निकल चुके हैं गाइस नवाबों के शहर घूमने के लिए। और अभी हम लोग जा रहे थे गाइस इमाम बाड़ा, यहां पे पार्किंग करके आए थे मस्त यहां पे घूमने के लिए। और देख सकते हैं यहां पे की एंट्री गेट बंद हो चुका है, बस उधर से एग्जिट गेट ही खुला हुआ है क्योंकि यहां पे 5:30 बजे तक ही एंट्री होता है। बोलते हैं रूमी दरवाजा, रूमी दरवाजा ही है। अच्छा तो हे गाइस वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? मैं भी अच्छा। तो गाइस आज गाइस हेडेस चैलेंज का 29 डेज। और गाइस आज फाइनली हम लोग अयोध्या में थे और अयोध्या से निकल रहे हैं गाइस लखनऊ के लिए। तो अभी देख सकते हैं गाइस अयोध्या के रोड पे ही चल रहा हूँ मस्त। और अभी का टाइम देख सकते हो चुका है 11:12। तो अभी हम लोग गाइस 154 किलोमीटर डिस्टेंस कवर करके जाना है। हम लोग को 2 घंटा 29 मिनट टाइम दिखा रहा, तो वो तो अपने हाथ पे है गाइस कितना देर में हम लोग पहुंच जाए। तो वो वाला रोड से हम लोग कल बोले थे कि हम लोग को जाना पड़ेगा उधर से लता चौक की तरफ से, बट वो वाला गाइस अभी के टाइम में मतलब बंद कर दिया जाता है। तो अभी हम लोग को जाना है गाइस दूसरे रोड से जो भी निकालेगा पूर्वांचल पे ही। तो अभी मैं दिखाता हूँ कौन रोड से जाना है गाइस। हम लोग के सामने वो रोड है, तो देख सकते हैं गाइस यही है ब्रिज वाला रोड जिससे अभी हम लोग जाएंगे। क्या हाथ दे रहा समझ में नहीं आता इन लोग। तो यहाँ पे गाइज होटल वगैरह के लिए इतना ज्यादा लोग मतलब परेशान किए फिरते हैं पीछे पीछे। कल हम लोग होटल लिया हुआ फिर भी लोग आके रात में मतलब घूमने निकले हुए थे और बस एक जगह रुके थे लता चौक के पास जरा सा। वहाँ पे भैया रूम चाहिए, भैया रूम चाहिए इतना मतलब करने लगा। क्या बोलो हम लोग इसमें बोल रहे थे हम लोग का रूम है फिर भी विश्वास नहीं हो रहा उन लोगों को। फिर लास्ट में हम लोग को वहां से बढ़ना पड़ा और फाइनली गाइज कल हम लोग का दर्शन हो चुका था। और आज हम लोग लखनऊ जैसे कि बताया था निकल जाएंगे, लखनऊ निकल चुके हैं। लखनऊ में देखते हैं गाइज घूमने का क्या क्या जगह। आप लोग अगर ये वाला ब्लॉग देख रहे होंगे गाइज तो लखनऊ में मैं एक दिन और रहने वाला हूँ, तो आप लोग कमेंट करके भर दीजिएगा कि लखनऊ में क्या क्या है। ऐसे तो कुछ कुछ जो जो मेरे को पता है वो सब मैं घूमूंगा और आप लोगों को घुमाऊंगा मस्त। तो देखता हूँ क्या क्या है वहाँ पर, नहीं पता गाइस मेरे को। वहाँ पे इमाम बाड़ा है और क्या क्या है, मॉल वगैरह भी है और उससे बगल में एक जगह भी है जहाँ मैं सोच रहा हूँ हो सके तो चला जाऊंगा। देखता हूँ वहाँ जाने के बाद ही, क्योंकि आज हम लोग का 29वीं पूरा वहीं स्टे है और कल 30वीं पूरा वहीं स्टे होगा हम लोग का। तो वहाँ पे पहले देखते हैं किस हिसाब से मन लग रहा है, क्या हो रहा है, नहीं लग रहा मन और जगह कैसा है। वैसे तो नवाबों के शहर गाइस तो जगह में कमी नहीं होगा ये तो मेरे को पता है। और वहाँ पे गाइस हम लोग काफी सारे स्ट्रीट फूड वगैरह भी खाने वाले हैं लखनऊ में। और अभी चलते हैं गाइस मस्त हाईवे पे और आपको सीन दिखाते हैं गाइस पूर्वांचल एक्सप्रेस को। उस दिन तो रात था तो उतना नहीं दिखा पाए थे, तो अभी मस्त आपको दिखाते हैं गाइस अभी लखनऊ जाने में भी वही वाला रोड को ऐड होना पड़ेगा गाइस। तो अभी चलते हैं गाइस। ये रहा हमारे सफर का आज का पहला टोल टैक्स जो हम लोग जा रहे हैं अयोध्या टू लखनऊ। तो ये हम लोग को पहला टोल टैक्स पड़ा गाइस और ये टोल टैक्स क्रॉस करने के बाद ही शायद पूर्वांचल था क्योंकि उस दिन रात हो गया था और हम लोग इन किए थे रात में, तो हम लोग को याद नहीं आ रहा है और इसी के बाद पूर्वांचल था। और ये रहा गाइज अपने सफर का दूसरा टोल टैक्स जो गाइज अभी हम लोग को पूर्वांचल में मिलवाने वाला। देख सकते हैं पूर्वांचल डिस्टेंस कितना दिखा रहा है, मात्र 700 मीटर पे पूर्वांचल है। तो ये टोल गेट भी पार करते हैं और मस्त आप लोगों को पूर्वांचल का व्यू दिखाते हैं गाइज। सो गाइज फाइनली हम लोग वहां से टोल कटवा के देख सकते हैं चढ़ चुके हैं पूर्वांचल पे। और ये रहा गाइज पूर्वांचल एक्सप्रेस में जिसका मैं बहुत ज्यादा तारीफ कर रहा था। क्या रोड है गाइज देख सकते हैं, दूर दूर तक एकदम खाली खाली रोड और इतना ज्यादा खाली खाली ये रोड दिखता है कि क्या ही बताओ। और काफी बड़ा रोड है गाइज ये। और अभी मस्त हम लोग वहाँ पर से टोल कटवाए, एक जगह कटा था लगता लगभग 120 रुपया और एक जगह अभी कटेगा अभी वहाँ लखनऊ पहुंचते तक 170 रुपया और कटने वाला है। तो अभी चलते हैं मस्त गाइस और अभी दिखाते हैं और भी रोड का। और इधर तो ढाबा वगैरह मिलना मुश्किल है और हम लोग नाश्ता वगैरह कुछ भी करके नहीं निकले थे क्योंकि हम लोग को रूम में ही वहाँ लेट हो गया था। और ब्लॉग वगैरह मस्त पोस्ट किया और जल्दी जल्दी हम लोग निकल गए प्रसाद वगैरह खरीद के। और अभी देखते हैं कहीं ढाबा अगर कहीं दिखेगा, पूर्वांचल में तो नहीं दिखेगा, पूर्वांचल के बाद ही कहीं दिखेगा। तो अभी रुकेंगे कहीं खाने पीने के लिए भी गाइस क्योंकि पेट को भी भूख लग चुका है और हमारे कार को भी भूख लग चुका है। देख सकते हैं यहाँ पे लाइट जल चुका है, तो अभी मस्त कहीं पे फ्यूल अप भी करवाते हैं और अपने पेट को भी मस्त फुल करते हैं। तो अभी चलते हैं आगे कहीं। सो गाइस फाइनली हम पहुंच चुके हैं गाइस लखनऊ नवाबों के शहर। तो देख सकते हैं अभी हम लोग चले गाइस यहाँ पे चारबागी स्टेशन के पास मेट्रो स्टेशन के पास। और अभी हम लोग जा रहे हैं गाइस यहाँ का भी मिशन है हम लोगों जैसे कि होटल ढूंढने का। तो अभी चलते हैं मस्त यहाँ पे होटल वगैरह ढूंढते हैं कहाँ पे होटल वगैरह मिलेगा, उसके बाद होटल वगैरह लेंगे। और हम लोग निकले थे गाइस होटल से लगभग लगता है 11:45 तक और देख सकते हैं 2 बजे तक पहुंच गए। काफी मस्त मस्त आए गाइस एकदम रोड और रास्ता में भी कुछ खाए पिए भी नहीं, तो मस्त पहले होटल लेने के बाद हम लोग टास्क रहेगा दूसरा खाने का। पहले होटल लेते हैं उसके बाद फिर दिखाते हैं कौन सा होटल मिला हम लोग को यहाँ पे। फाइनली हम लोग होटल मिल चुका है, ये रहा गाइस एसआर ग्रैंड हम लोग का होटल। तो अभी मस्त चलते हैं, देख सकते हैं ये लोग लगेज ले जा रहा है और मेरा लगेज पहले ही ऊपर चल गया है। तो दिखाता हूँ ऊपर चलते रूम गाइस, देख सकते हैं ये रहा फाइनली हम लोग का रूम और ये रहा मैं। देख सकता हूँ अभी कौन लुक में हम लोग आए थे अयोध्या से क्योंकि वहाँ पे गाइस हम लोग स्नान वगैरह कुछ भी नहीं किए थे। अभी नहा धोवा के यहाँ पे मस्त निकलेंगे घूमने के लिए। और बाकी रहीसी देख सकते हैं हमारे गोलू सरकार का लखनऊ पहुंचते नवाबों के शहर में पहुंचते नवाब बन चुके हैं। और देख सकते हैं रूम का क्या मस्त व्यू लग रहा है। बाकी यहाँ पर से विंडो भी एक है जहाँ पे हम लोग का पार्किंग था पीछे। अभी मस्त यहाँ पे गाइज खा चुके हैं, नहाते धोवाते हैं और यहाँ पे नवाबों के शहर में आपको दिखाते हैं क्या क्या है। नहीं है घूमते हैं मस्त, खाना पीना भी है अभी क्योंकि खाए पी भी नहीं थे कहीं।
और आप लोग गाइस कमेंट करके बताइए कि आप लोग इतने जगह गए, होटल का टीवी कितना जगह इस्तेमाल किया। मैं तो गाइस इतना जगह घूमने गया हूँ, आज तक कभी टीवी का इस्तेमाल हुआ ही नहीं है, ये भी रिकॉर्ड है मेरा। मस्त गाइस सर नहाते हैं और नहा धो के मिलते हैं आपसे रेडी होकर। फाइनली हम लोग रेडी होकर निकल चुके हैं गाइस नवाबों के शहर घूमने के लिए, और अभी हम लोग जा रहे थे गाइस इमामबाड़ा यहाँ का, और अभी देख सकते हैं ट्रैफिक मिल चुका है हम लोग को रोड पे, और अभी कितना देर लगेगा पता नहीं है, यहाँ पे ज्यादा दूर है नहीं, 6 किलोमीटर दिखा रहा है मैप पे, तो देखते हैं 17 मिनट टाइम दिखा रहा है, अभी चलते हैं मस्त वहाँ पे और इमामबाड़ा का आप लोगों को व्यू दिखाते हैं। मैं पहली बार जा रहा हूँ और लखनऊ पहली बार आ रहा हूँ गाइस घूमने के लिए, तो यहाँ पे मेरे को कुछ भी घुमा हुआ नहीं, जो भी चीज मैं घूमूंगा मैप से घूमूंगा, तो चलते गाइस वहाँ पे और देखते हैं कैसा है इमामबाड़ा और आप लोगों को भी दिखाते, तो बने रहिए ब्लॉग पे। अभी मस्त है, पहले वहाँ पे पहुंचते हैं, वहाँ पे मस्त फोटो वगैरह भी क्लिक कराऊंगा, तो हम देख सकते तैयार होकर होके निकले हैं। सो गाइस देख सकते हैं फाइनली हम लोग पहुंच चुके हैं इमामबाड़ा के पास, और ये रहा सामने इमामबाड़ा जिसमें अभी लगता है कंस्ट्रक्शन का काम लगा हुआ है, तो जहां तक कि गाइस हम लोग फोटो वगैरह में देखे हैं तो हम लोग को तो पता है कि यही है, और अभी मैप भी देख सकते हैं यहीं तक दिखा रहा है, तो अभी आगे पता नहीं अंदर में भी कुछ बनाया है या नहीं, और बड़ा इमामबाड़ा देख सकते हैं सीधा जाने का है, तो अभी देखते हैं किधर से रास्ता वगैरह अंदर भी चल के आपको दिखाता हूँ। ये रहा इमामबाड़ा और ये रहा अपना बिल्लो रानी, मतलब बिहार से चल के फाइनली देख सकते हैं इमामबाड़ा के बाहर खड़ा किए हैं, तो अभी हम देखे यहाँ पे कार वगैरह पार्किंग था इसलिए हम लोग यहाँ रुके थे, बाकी बड़ा इमामबाड़ा के उधर से रास्ता था, तो अभी मस्त यहाँ पे फोटो वगैरह क्लिक कराएंगे उसके बाद यहाँ से चलेंगे, और इसके पता नहीं गाइस इसके पीछे कुछ बनाया हुआ है या नहीं, आगे से तो बस एक दरबार गेट जैसा लग रहा है, यहाँ पे मस्त अच्छा अच्छा पिक क्लिक करवाते हैं। तो गाइस अभी वहाँ पे हम लोग रुके हुए थे और वहाँ पे पार्किंग करके आए थे मस्त यहाँ पे घूमने के लिए, और देख सकते हैं यहाँ पे कि एंट्री गेट बंद हो चुका है, बस उधर से एग्जिट गेट ही खुला हुआ है, क्योंकि यहाँ पे 5:30 बजे तक ही एंट्री होता है, और अभी देख सकते हैं गाइस मैं बाहर से ही दिखा पाऊंगा व्यू और अंदर तो जा नहीं पाऊंगा मैं, तो चेक कर सकते हैं ऐसा ही था इमामबाड़ा यहाँ का कुछ, तो क्या बताऊँ गाइस। और यहाँ गोलू देख सकते हैं स्नैप कैसे मार रहा है, मतलब कुछ भी हो जाए स्नैप मारना चाहिए, देख सकते हैं स्नैप पे लग रहा है कि अंदर घुस के बना रहा है, वाह वाह अंदर गया था ये, तो अंदर हम नहीं जा पाए गाइस, अंदर काफी अच्छा बनाया हुआ है जिस हिसाब से बाहर से दिख रहा है, मैं एक बार आपको फिर से दिखाता हूँ बहुत अच्छे से, मैं जहाँ तक हो पाएगा दिखाऊंगा गाइस, एक बार चेक कर सकते हैं गाइस क्या मस्त व्यू लग रहा हुआ अंदर से भी, देख सकते हैं सारे लोग लौट रहे हैं जो ही है, बाकी बंद तो हो चुका है ये, क्या ही बोले गाइस हम लोग का किस्मत में ये नहीं था घूमना, तो हम लोग लेट से रूम से भी निकले थे और वहाँ पे भी रुक के थोड़ा फोटो वगैरह क्लिक कराने लगे, वैसे हम लोग 6 बजे यहाँ पहुँचे ही थे और आधा घंटा उधर लग गया, और अभी 1 घंटा हम लोग का लेट हो चुका है, 5:30 बजे ही बंद होता है और 8 बजे सुबह खुलता है, कोई नहीं ये तो घूम नहीं पाए, बाकी इसके सामने भी कुछ ऐसा है, इधर का रोड देख सकते हैं गाइस, मेरे को लगता है कि अभी यहाँ पे सामने क्राउड होता होगा बट ऐसे पता नहीं है, और लाइट वगैरह भी इसमें लगा हुआ है तो जलता ही होगा। इस अपना बिल्लो रानी वहाँ पे मस्त देख सकते हैं छोड़ दिए हैं पार्किंग में ही, और अभी हम लोग टोटो से निकले हैं घूमने के लिए, यहाँ पे गाइस इमामबाड़ा तो बंद था, तो अभी अंकल बताएं यहाँ पे और भी पास कुछ चीज़ है जो जा रहे हैं हम लोग घूमने के लिए गाइस, क्या क्या बताएं अंकल वैसे है? क्या क्या बताएं घूमने का है, हमने बताया आपको रूमी दरवाजा बताएंगे, घंटा का टॉप बताएंगे, शाही तालाब बताएंगे, और लखनऊ चिकन फैक्ट्री बताएंगे जी, तो अभी 4 चीज बताया है, तो अभी 4 चीज जा रहे हैं गाइस घूमने के लिए, रूमी दरवाजा ये अच्छा, रूमी दरवाजा क्यों कहते हैं, तो मालिक थे असदुल्ला साहब, यहाँ बुटमुले घूमना है, उनकी वाइफ का नाम था रूमी, इस बार इसका नाम रखा गया रूमी दरवाजा, इसी ये खासियत है, आपने इसको उल्टा कर दिया, फोटो नीचे उल्टा कर देंगे तो चीज पहनने लिए बन जाती है, एक वो गले हार बन जाता है ना, गले हार, और एक वो चीज बनती है तो दुनिया में फेमस है, उससे पहनने खूबसूरती आती है, आप पहनने आप खूबसूरत दिखेंगे, आप पहनने आप खूबसूरत दिखेंगे, आप पहनने आप खूबसूरत दिखेंगे, कोई लेडीज पहने लेडीज खूबसूरत दिखने लगती है, बताइए क्या चीज़ है, पूरी दुनिया में फेमस है, मैं बताऊंगा आप हाँ करेंगे ना नहीं करेंगे मेरे वहाँ, और आप सही करेंगे तो मैं हाँ करूँगा, और गलत बताऊंगा ना कर देंगे आप, और पूरी दुनिया में ना आप लोग कहाँ रहते हैं, गया बिहार, गया बिहार, बिहार पटना, गया बिहार, गया माँ भी फेमस है, बता दो आप, मैं बताऊँ, चलिए मैं बताऊँ, उसको उल्टा कर दिया हाथ बन जाता है, इसी को उल्टा कर देंगे लखनऊ कुर्ती बन जाता है, लखनऊ में चिकन खाया था चिकन पहना था पहनने वाला कपड़ा बन जाता है, तो ना फैक्ट्री है कुर्ते के ऊपर जो डिजाइन होता है अच्छा वो बन जाता, तो देख सकते हैं गाइस अभी अंकल बताए यहाँ पे और सेम सही में बताए खरीद सकते आधे रेंट, तो मार्केट ₹1000 मिलती है, वो 500 की चीज मिल जाती है, ये फेमस होता है, यहाँ पे देख सकते हैं गाइस यहाँ पे दिखाया जैसे कि यहाँ पे 2 चीज बताया, एक गले का हार बन जाता है और एक कुर्ते के ऊपर देखते होंगे डिजाइन जो बनता है वो चिकन के कुर्ता का जो डिजाइन होता है उस पर भी, और अभी जा रहे हैं हम लोग घंटाघर, अभी चलते हैं घंटाघर और वहाँ पर दिखाता हूँ, देख सकते हैं क्लॉक टावर पहुँच चुका है जी, इसको बोलते हैं ना कि भाषा में घंटा घंटा हुआ 225 फीट ऊंचा है, हवा टैंक बताता है 1881 का बना हुआ 1881 का,
डंडे में नंबर वन पे, भारत में नंबर वन पे आता है जी। फिर आगे बढ़े, ठीक है। तो अब यहाँ पे बता दिए अंकल, अब यहाँ पे मस्त फोटो वगैरह क्लिक कराते हैं और फिर चलते हैं आगे। वो था गाइस सामने क्लॉक टावर और अभी हम लोग वहाँ। ये कौन सा झील है अंकल? शाही तालाब। शाही तालाब, अच्छा। तो देख सकते हैं गाइस ये शाही तालाब है, रेनबो वाला, डेंगू वाला, डेंगू वाला, अच्छा। गाइस अभी हम लोग वहाँ से घूम के आ चुके हैं, देख सकते हैं लखनऊ चिकन फैक्ट्री है यहाँ पे। तो अभी हम लोग चलते हैं नीचे और देखते हैं, अभी गोलू लोग को कुर्ता वगैरह भी लेना था, तो अभी चलते हैं नीचे देखते हैं किस टाइप का कुर्ता वगैरह दिखता है। अंदर आने के बाद देख सकते हैं गाइस यही सब फैक्ट्री में यहाँ पे कुर्ता वगैरह है जो अभी यहाँ पे दिखा रहे तरह तरह का। हम लोग को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा क्योंकि ऐसा कुर्ता हम लोग पहनते ही नहीं है। तो अभी देखते हैं, एक दो देखेंगे, उसके बाद फिर यहाँ से निकलेंगे। तो गाइस लखनऊ चिकन फैक्ट्री जाने के बाद रहा नहीं गया तो वहाँ से कुछ ले लिया हूँ यादगार कुछ चीज़ के लिए, जैसे कि पहली बार आया तो मस्त। तो अभी हम लोग जा रहे हैं वो वाला घूम लिया, क्लॉक टावर भी घूम लिया, अभी जा रहे हैं हम लोग जहाँ पे कार पार्क किए थे वहीं पर वैसे हम लोग छोड़ेंगे। अभी हम लोग वहाँ पर सफर चलेंगे, रूम के लिए रूम के थके हुए भी है, चलते हैं। क्या मस्त लग रहा, लाइट जो चल रहा है, शायद हम लोग को लग रहा जो वाला गेट था उस टाइम हम लोग जो फोटो क्लिक करा थे वही गेट है। अभी पेड़ से थोड़ा छुप गया है, दिखाता हूँ मैं, देख सकते हैं गाइस। अभी वहाँ पे जाते हैं, ये वाला गेट होगा तो चेक कर सकते हैं गाइस, क्या मस्त लग रहा, बड़ा इमाम बड़ा और कितना तगड़ा यहाँ पे लाइटिंग का सिस्टम है। जैसे मैं बताया था कि लाइट वगैरह भी यहाँ पे लगवा और वहाँ पे लगा रहा गाइस अपना बिलो रानी। फाइनली हमको ऑटो वाले अंकल यहाँ पे छोड़ के चल गए हम लोग को। तो अभी गाइस हम लोग यहाँ पे भी रुके हुए हैं और अभी हम लोग को यहाँ से डिसाइड कर रहे हैं रूम जाने के लिए। बाकी गाइस ये है गाइस भूल भुलैया, तो हम लोग कल आएंगे इसको घूमने के लिए, हो सके तो कल इसको आएंगे और एक्सप्लोर करेंगे। अंदर लगने वाला गाइस 2 घंटा टाइम अंदर घूमने में, और आज तो बंद ही हो गया था, तो मस्त चलते हैं यहाँ से निकलते हैं रूम के लिए और कल आपको दिखाते हैं अंदर का व्यू। तो आ चुके हैं गाइस फाइनली अपने बिल्लो रानी में और देख सकते हैं हम लोग मैप भी सेट कर लिए अपने वहाँ चारबाग स्टेशन का। तो चारबाग मेट्रो स्टेशन के पास हम लोग को जाना है अभी क्योंकि हम लोग का रूम वहीं पे है। तो अभी जा रहे गाइस डायरेक्ट रूम और कल हम लोग सोचेंगे इसको घूमने के लिए। पहले तो गाइस कल एक जगह और जाना है, वो अगर हम लोग निकलेंगे तो आपको कल का ही ब्लॉग में देखने के लिए मिलेगा। बाकी गाइस आज का भी ब्लॉग यहीं पे एंड कर रहा हूं क्योंकि अभी जा रहा हूं रूम। तो ब्लॉग अगर अच्छा लगा होगा गाइस तो लाइक कमेंट शेयर जरूर करिएगा। अभी रूम जाके मस्त रेस्ट वगैरह करेंगे कल के लिए क्योंकि कल भी फिर घूमना है और अभी तो मेरा गाइस नींद पूरा हो नहीं पा रहा। कल भी मैं काफी लेट सोया था रात में क्योंकि ब्लॉग एडिट करना रहता मेरे को, तो मैं थोड़ा लेट हो जाता है। तो चलता होगा इस मस्त, आज का भी टास्क हो गया कंप्लीट और हो गया गाइस आज 29 दिन, तो एक दिन और बच रहा है 30 डे, तो हो जाएगा कंप्लीट वो भी कर दूंगा। तो चलता हूँ ब्लॉग को करता हूँ, ब्लॉग अच्छा लगा गाइस तो लाइक कमेंट शेयर जरूर करिएगा। अगर आप चैनल पर न्यू हैं चैनल को लीजिए, मिलते हैं बहुत जल्द नेक्स्ट ब्लॉग में। थोड़ा पापी मैं गाली देता काफी, पर जिंदगी में बढ़ने के लिए कभी ना चाटी 3 बटन से भाग।